आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और निरंतर योग या योग से जुड़ी हुई क्रियाओं का लाभ भी ले रहे होंगे और लोगों तक भी इसे पहुंचाने की कोशिश कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैं पहले भी बहुत सारे टॉपिकों को आपको डिफाइन कर चुका हूँ, उसके बारे में बता चुका हूँ, तो आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जिसका उपयोग आप घरेलू जीवन में भी और रेगुलर इसका उपयोग करते हैं, वो है ये प्याज कितना ज़्यादा फायदेमंद है इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। इसके क्या क्या फायदे हैं और कुछ इसके नुकसान भी हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें और लोगों तक भी इसको पहुंचाने की कोशिश करें। चलते हैं डिफाइन में। तो अब मैं इस प्याज के बारे में आपको बता रहा था, तो हमें इस प्याज का इसको कुकिंग करके सेवन नहीं करना चाहिए। इसका जितना हम कच्चा सेवन करेंगे उतना हमारे शरीर के लिए लाभकारी होगा, तो मैं यही बोलूँगा आप इसका उपयोग सलाद में सबसे ज़्यादा कीजिए। जानते ही हैं कि जैसे ही गर्मी शुरू होने लग जाती है तो हमारे खान पान में थोड़ा प्रॉब्लम आने लग जाती है या हम लोगों को लू गर्मी ज़्यादा लगने लग जाती है जिसकी वजह से हम बीमार जल्दी पड़ जाते हैं, ठीक है। तो उसी के लिए हम इस प्याज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसका जितना आप अच्छे से इस्तेमाल करोगे उतना आपके शरीर में लू भी कम लगेगी और साथ साथ आपको पाचन शक्ति भी इम्प्रूव होगी। प्याज एक ऐसी चीज़ है जिसमें विटामिन ए बी सी आयरन और एंटीऑक्साइड पाए जाते हैं, साथ ही साथ इसमें कैल्शियम खनिज पोटेशियम मैग्नीशियम सोडियम आदि तत्व पाए जाते हैं जिसकी वजह से हमें काफ़ी इसके फायदे होते हैं। और प्याज का उपयोग प्राचीन समय से ही और औषधि के रूप में भी किया जाता है। अब मैं आपके सामने प्याज के कुछ फायदे बताना चाह रहा हूँ। तो प्याज का निरंतर सेवन करने से आपके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, साथ ही साथ आपको गर्मी और लू से भी बचाने का कार्य करता है और बीमारियों से दूर रखने का कार्य भी प्याज करता है। दिल वाले रोगियों के लिए भी बहुत लाभकारी है और मधुमेह को भी नियंत्रित करने का कार्य करता है, साथ ही साथ कैंसर वाले रोगियों के लिए भी बहुत लाभकारी है। प्याज का रोज सेवन करने से त्वचा और बालों में भी लाभकारी है, साथ पेट की परेशानियों को दूर करता है और कब्ज गैस को भी दूर करने में बहुत लाभकारी है। कच्चे प्याज का सेवन करने से संक्रमण की दर कम होती है और हमें बहुत सारी बीमारियों से फायदा मिलता है। अब मैं आपके सामने प्याज खाने के कुछ नुकसान भी हैं उसके बारे में आपको मैं डिफाइन करूंगा। तो प्याज का अधिक मात्रा में सेवन करने से शरीर में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाती है जिसकी वजह से आपको दिक्कत होने लग जाती है, साथ ही साथ आपके मुंह से बदबू भी आती है और साथ ही साथ आपको जलन भी महसूस होने लग जाती है। अधिक मात्रा में प्याज का सेवन करने से भी हमें कब्ज और अपच की प्रॉब्लम होने लग जाती है, साथ ही साथ ये आंतों को भी प्रभावित करता है और शरीर में एसिड बनाने का काम भी करता है। अधिक मात्रा में अगर कोई गर्भवती महिला प्याज का सेवन कर रही है तो उनको भी इससे नुकसान होंगे, साथ ही साथ जो दिल के मरीज हैं वो भी अगर इसका अत्यधिक मात्रा में सेवन कर रहे हैं उनके लिए भी यह बहुत नुकसानदायक होगा। जो लोग अत्यधिक मात्रा में इसका सेवन करते हैं उनको जलन और साथ ही साथ रक्तचाप भी कम होता है और साथ ही साथ जिन लोगों को जोड़ों में दर्द और गठिया की प्रॉब्लम है और जिन लोगों का शुगर बढ़ा हुआ है उनको भी इसका अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताए गए प्याज के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आप इसे